हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है दीपावली और आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। और अभी हम लोग सब तैयार हो गए हैं। ये देखिए, मैंने ये सूट पहना हुआ है, फ्रॉक सूट है। और ये देखिए मेरी बेटी, ये भी तैयार हो गई है, अभी सो के उठी थी। और इस बार हम लोग दीपावली तो नहीं मना रहे हैं क्योंकि हमारे घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। बस इसी तरह थोड़ा बहुत हम लोग तैयार हो गए हैं और हल्का फुल्का सजावट किए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं क्योंकि हमारे घर में कोई, हमारे गांव में कोई पूरी अनहोनी हो गई है जिसकी वजह से हम लोग पूजा वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बस मोमबत्ती वगैरह ही जलाएंगे, दिया बाती नहीं कर सकते हैं क्योंकि घर में जो है छुटका हो गया है, तो कोई पूजा पाठ तो नहीं होगा। यहाँ देखिए गुनगुन भी तैयार हो गई है। बाबू इधर आओ, ये देखिए बाबू को। बाबू हाय 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 बोल दो गुनगुन। हाय। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने आंगन में रंगोली बनाने के लिए। तो यहाँ मैं बहुत सिंपल तरीके से ये रंगोली बना रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और अभी मुझे सब जगह बत्ती भी दिखाना है, तो इसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कर लिया था रंगोली का। और उसके बाद मैं अभी आ गई अपने पूजा रूम में जहाँ हम लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ मैंने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाई हुई थी, तो बस उन्हें सजा कर इस तरह से रख दिए हैं और यहाँ बस मोमबत्ती ही जला देंगे क्योंकि अभी दिया बाती तो दिखाना नहीं है घर में छुटका की वजह से। तो बस सब जगह मोमबत्ती ही रख दिए थे, सारे घर में मोमबत्ती रख दिए थे और अभी बाहर आ गए हैं द्वार पे, तो यहाँ भी सब जगह मोमबत्ती से ही सजा देंगे। और इस बार हम लोग बहुत सिंपल तरीके से ही मना रहे हैं, कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं हुआ। तो बस इसी तरह बच्चों की खुशी के लिए ही थोड़ा बहुत यहाँ सजावट किए थे। और यहाँ दोनों बच्चे अपने दादाजी के साथ पटाखे छोड़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए मेरे बाबू को उसके दादाजी पटाखे जलाकर और दिए हैं। और यहाँ गुनगुन भी पटाखे जला रही है, वो बहुत डर रही थी पटाखे से लेकिन फिर भी वो किसी तरह जला रही है डरते डरते। यहाँ देखिए दोनों बच्चे जो है दिवाली को खूब इंजॉय कर रहे हैं और अच्छा लगता है ना परिवार फैमिली के साथ पटाखे मनाना। तो यहाँ मैं भी अपने बाबू के साथ आंगन में ही पटाखे जलाई हुई थी, मुझे ये पर्व बहुत पसंद है और ये पर्व पूरे फैमिली के साथ मनाने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं बाबू के साथ भी पटाखे जला रही थी और मस्ती कर रही थी। तो बस इसी तरह हम लोग दिवाली का पर्व इस पर मनाए, बहुत सिंपल तरीके से ही मनाए थे। और आप लोग भी अपने परिवार फैमिली के साथ ये पर्व खूब इंजॉय कीजिए दिवाली को। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।